आप देख रहे हैं कि पिछले कई समय से हिंदुस्तान में रिलीजन के बेस पे, धर्म के नाम पे काफ़ी सारी डिबेट्स चल रही हैं, और उन डिबेट्स का मकसद सिर्फ कम्युनल वॉयलेंस को भड़काने का होता है। इसी तरह जैसे कि आज आपने देखा कि हिजाब वाला इशू, जो आप सब जानते हैं कि स्कूल में हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है और स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। अब हिजाब का इशू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ दो और जजेस डिसाइड करेंगे। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने फैसला दिया है कि स्कूल में हिजाब नहीं पहन सकते हैं, एंड जस्टिस सुधांशु धुलिया साहब ने कहा है कि हिजाब पहनना मैटर ऑफ चॉइस है, जो चाहे वो पहन सकता है। तो दोनों जजेस का ओपिनियन अलग अलग है, जजमेंट अलग अलग है। इसी वजह से अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो जजेस के साथ इस क्रूशल इशू को डिसाइड करेंगे। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से ये सरकार जब आई थी तब आई थी विकास के मुद्दे पे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। लेकिन इन सारे मुद्दे पे सरकार फेल हो चुकी है। सरकार के कई प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ वोट बटोरने के लिए थे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं कि फेल हो चुका है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, सागर से मैं बिलोंग करता हूं, सागर में आप सड़कें देखिए, सागर में स्मार्ट सिटी में इतना करप्शन है कि अगर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी सीईओ के साथ साथ कई और ऑफिसर्स भी जेल जा सकते हैं। आप ऐसी भोपाल का हाल देखिए, इंदौर का हाल देखिए, और भी जितनी स्मार्ट सिटीज हैं उनका हाल देखिए। देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके कुछ पैमाने हैं। बहुत गौर से सुनने वाली बात है ये। डेमोक्रेसी इंडेक्स में हिंदुस्तान कहां स्टैंड करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन डेमोक्रेसी इंडेक्स के ऊपर कभी हमारे न्यूज चैनल डिबेट नहीं करते, ना हम कभी बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा देश कहां पे स्टैंड करता है, इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ धार्मिक मुद्दों पे बात करते हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को भड़का के वोट बटोरे जाएं और सत्ता की कुर्सी हमेशा अपने पास रखी जाए। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या कहता है, कानून व्यवस्था हिंदुस्तान की कैसी है, इसके बारे में कभी बात नहीं होती। प्रेस फ्रीडम के बारे में आप क्या कहते हैं, जहां पे गौरी लंकेश जैसे पत्रकारों को जान से मार दिया जाता है और जो अच्छे और ईमानदार पत्रकार हैं उनको बड़े न्यूज चैनल अपने यहां नौकरी नहीं देते हैं और वो दो दिन की रोजी रोटी के लिए भी बहुत संघर्ष करते हैं। अच्छे और ईमानदार पत्रकारों को मैं सल्यूट करता हूं जो सरकार के इस कड़े रुख के बावजूद भी सच्ची रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन उस गोदी मीडिया का क्या, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बाकायदा करोड़ों के चैनल एस्टेब्लिश करके एंकर्स को बिठा के और हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में हम सबको इन्वॉल्व रखती है। पर्सनल फ्रीडम इंडेक्स नाम की एक चीज होती है, उसके बारे में इंडियन मीडिया कभी डिबेट नहीं करता। सिविल लिबर्टीज के बारे में कभी हम डिबेट नहीं करते हैं। करप्शन इंडेक्स कहां जाके पहुंच रहा है, करप्शन का लेवल क्या है, इसके बारे में हम कभी डिबेट नहीं करते हैं। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में हम कभी डिबेट नहीं करते हैं। एजुकेशन के बारे में कभी डिबेट नहीं करते हैं। जहां तक हिजाब का इशू है, हिंदुस्तान में कल्चर और रिलीजन हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमारी हिंदू बहनें जब बाइक या स्कूटी चलाती हैं तो वो अपने चेहरे को एक कपड़े से ढक लेती हैं, उसको आप क्या कहेंगे, हेड स्कार्फ कह लीजिए, उर्दू अरबी में हिजाब कह लीजिए, हिंदी में उसको घूंघट कह लीजिए। राजस्थान में हमारी जो बहनें हैं वो इतना लंबा घूंघट डाल के चलती हैं। घूंघट डालने का पर्पस या हिजाब पहनने का पर्पस सिर्फ रिलीजियस नहीं है। राजस्थान में इतनी रेत उड़ती है कि अगर वो घूंघट नहीं डालेंगी तो सारी रेत उनकी आंखों में चली जाएगी और उनकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। अभी आपने देखा कि पूरा विश्व, पूरा देश, हमारा देश हिंदुस्तान कोविड नाम की महामारी से जूझता रहा और सरकार ने बोला जो भी मास्क के बगैर बाहर निकलेगा उसको सजा मिलेगी। हिजाब भी एक तरह का मास्क है, और अगर हमारी माओ बहनों को अपनी डिग्निटी प्रोटेक्ट करनी है, उनको जो भी पहनना है उनकी चॉइस हो, बाय फोर्स हम नहीं चाहते कि कोई भी चीज हम किसी पे इंप्लीमेंट करें या किसी को बोलने के वो पहने या ना पहने, लेकिन ये एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आप देखिए
जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां लगी रहती हैं। अगर आप एक तरफ ये बात कर रहे हैं कि रिलीजियस कपड़े का, रिलीजियस आइडेंटिटी का स्कूल में कोई भी यूज नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वहां पे मंदिर या कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर या भगवान की प्रतिमा क्यों लगी है? जितनी भी पुलिस लाइन है वहां पे सब जगह मंदिर बना हुआ है। जितने भी पुलिस थाने हैं ज्यादातर जगहों पे मैंने देखा है कि वहां पे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन किसी भी मुस्लिम को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस सिंबल नहीं है, ये कल्चरल सिंबल भी है। कल्चर एक चीज होती है, जैसे कि अब मैंने आज ये जो कपड़े पहने हैं इसको आप क्या बोलेंगे, हिंदू कपड़े हैं, मुस्लिम कपड़े हैं, क्या है ये? हम धोती भी पहनते हैं, कुर्ता पजामा भी पहनते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था, रेलवे कॉलोनी में सागर में रहता था, हमारे घर के सामने ही दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित होती थी और कई बार प्रसाद में अपने हाथों से वितरित करता था। तो अब आप इस बात को क्या कहेंगे कि एहतशाम के कुरान में तो प्रसाद का जिक्र नहीं है, फिर एहतशाम प्रसाद क्यों बांट रहा है? अरे भाई, इसी को गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, इसी को प्यार और मोहब्बत कहते हैं। स्कूलों में जब हमारी क्लासमेट्स, हमारे सीनियर और जूनियर लड़कियां हमारी कलाई पर राखी बांधती थी, उस बात को फिर आप क्या कहेंगे? ये कौन सा जिहाद है? राखी जिहाद के ऊपर कभी बात क्यों नहीं करते आप? लव जिहाद की आप लोग बातें करते हैं, तो जो हिंदू लड़कियां, हिंदू बहनें हमारी कलाई पर राखी बांधती हैं, उसको कौन सा जिहाद का नाम देंगे आप? स्कूल, कॉलेज, हमारे मोहल्ले में रक्षाबंधन पे कई बहनें हमारी कलाई पर राखी बांधती हैं, कुरान में लेकिन कहीं जिक्र नहीं है राखी बंधवाने का। तो फिर एक मुसलमान एडवोकेट क्यों अपने कलाई पर राखी बंधवा रहा है? अपनी हिंदू बहनों से जो मोहब्बत है हमें, उसके लिए, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर के लिए, हमारी जो संस्कृति है उसके लिए। हर चीज को आप धर्म के चश्मे से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आज हमें हिंदुस्तान में एजुकेशन पे बात करनी है, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी है, हमारा पॉलिटिक्स में क्या रोल रहेगा उस पर बात करनी है। आज कितनी महिलाएं बताइए प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं, कितनी लड़कियां सुप्रीम कोर्ट में अपने लिए केस आर्ग्यू कर सकती हैं बताइए। हजारों लड़कियों को, लाखों लड़कियों को हर साल दहेज की वजह से जलाया जाता है, उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करते हैं बताइए आप? आज आप गांव में जाइए, प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, प्रॉपर पीने का पानी नहीं है, उसमें सारे लोग शामिल हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन हम उनको रोटी खिलाने पर कभी बात नहीं करते हैं। हमारे लिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मुद्दा अभी सिर्फ है हिजाब, कि एक मुस्लिम लड़की सर पे एक कपड़ा ढक के कॉलेज या स्कूल नहीं आ सकती। मुझे लगता है ये आप सबके लिए भी शर्म की बात होनी चाहिए, जैसा कि मेरे लिए है। और मैं अपनी मुस्लिम बहनों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि संविधान को पढ़िए, और मैं चाहता हूं कि हिजाब का जो डिसीजन अब 3 जजेस बेंच से आएगा, उसमें एक मुस्लिम लॉयर, मुस्लिम फीमेल लॉयर उस केस को आर्ग्यू करे। आप उनकी एजुकेशन के बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम एजुकेट हो जाएंगे तो हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ सकेंगे, हम अपने हक आपसे मांगेंगे। आज मैं आप सबको बोलता हूं और सारे मुसलमानों को, सारे हिंदू भाई बहनों को बोलता हूं कि आपने गीता पढ़ा, आपने कुरान पढ़ा, लेकिन अब आप संविधान पढ़िए, संविधान को याद कर लीजिए। संविधान हमारे हिंदुस्तान की नींव है, बुलंद भारत, भारत की खूबसूरत तस्वीर बनाने का जो सपना हम सब भारतीय देख रहे हैं, उसके लिए संविधान पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ ही दिनों में कई स्टेट में चुनाव है और हमारे मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। बहुत ही जल्द एक लीगल टीम फॉर्म की जाएगी और जितने भी सिटिंग मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने करप्शन किया है, उनके खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, सीबीआई में और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में कंप्लेंट फाइल की जाएगी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, संप्रदायता को बनाए रखें, भाईचारा हम सब में कायम रहे, रिलीजियस डिबेट में बिल्कुल ना पड़े। ये सरकार का जो मुद्दा है, ये सिर्फ सरकार चाहती है कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो, हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दो, मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाओ और हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाओ, और वो डर दिखा के सारे वोट बटोर के फिर से सत्ता में काबिज हो जाओ। आप सब इस बात को सोचिएगा, पढ़िएगा, संविधान पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया की हर खबर देखने के लिए सिस्टम मीडिया को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक।